न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी की पंजाबी धर्मशाला में आज पंजाबी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पंजाबी समाज के 650 विवाह योग्य युवक युवतियों के पंजीकरण किए गए, जिसमें कुछ प्रतिभागियों ने मंच पर बड़ी बेबाकी के साथ अपना परिचय दिया तो वहीं कुछ प्रतिभागियों का परिचय आयोजकों ने कराया। सम्मेलन में अनेक स्थानों से पंजाबी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों व उनके परिजनों ने भाग लिया। इस दौरान कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, बैंक कर्मचारी, नौकरी पेशा और बिजनेसमैन शामिल हुए। मंच पर परिचय देने वाले युवक युवतियों ने अपनी पसंद और नापसंद भी बताई। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रधान अभिषेक झाम ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से कई परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इस तरह का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर विशेष तौर पर पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र जुनेजा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहता, पंजाबी राष्ट्रीय महासभा की प्रदेश उपाध्यक्षा नम्रता सचदेवा के अलावा अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। रेवाड़ी के अंदर इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार परिचय सम्मेलन इसका नाम है। यहाँ पर राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से और गुजरात से काफ़ी परिवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। करीब 15 दिन से इस सम्मेलन की तैयारी हो रही थी और सबने पहले एडवांस रजिस्ट्रेशन कराई। अगर लगातार अगर इनकी डेट और भी आगे बढ़ जाती तो और भी लोग आते। पिछली बार भी 1,000-1,200 लोग इस सम्मेलन में आए, इस बार भी लगभग 600-700 परिवार इस सम्मेलन में आए हैं। पिछली बार भी 27 शादियाँ जो है इस सम्मेलन के समय तय हुई थी और आज भी जिस तरीके से जोश लग रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बावजूद भी लोगों में जोश देख के पंजाबी परिवारों में जोश देखने को मिला। रेवाड़ी में उपस्थित हैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के इस परिवार मिलन सम्मेलन में और ये राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की जो मुख्य विचारधारा है कि सभी पंजाबी परिवार जो हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो सभी परिवार एकजुट होकर और एक साथ संगठित होकर रहे और इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ रेवाड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है आज का ये कार्यक्रम। और परिवार मिलन में जो मुख्य उद्देश्य है परिवारों को मिलाना ताकि परिवार एक साथ जुड़कर रहे। आज का प्रोग्राम है राष्ट्रीय पंजाबी का महासभा का, उसकी मैं प्रधान हूँ। मेरा नाम कमलमती है और मैं बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज ये अनाउंस करते हुए कि हमने जो ये प्रोग्राम रखा है परिचय सम्मेलन, इस सम्मेलन में कम से कम 570 हमारे पास ऐसे फॉर्म भरे गए हैं जिसमें लड़कियों और लड़कियों के फॉर्म थे। वो फॉर्म सिर्फ रेवाड़ी के नहीं हैं, बाहर के हैं, सूरत तक के, बॉम्बे तक के, हांसी, हिसार, सब जगह से लोग हमारे पास आए हुए हैं जिसमें अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इस सम्मेलन के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन तकरीबन 15 दिन से फॉर्म भर रहे थे। हमारे पास तकरीबन 550 के करीब फॉर्म हैं। पूरे हरियाणा से लोग आए हैं, पंजाब के भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं और एक हमारे साथ ही अहमदाबाद से भी आए। सबसे खुशी की बात यह है कि 10:10 पर एक पहला रिश्ता हुआ, दोनों सरकारी नौकरी वाले बच्चे थे, दोनों का रिश्ता हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि ये सम्मेलन समय बचाने के लिए और धन बचाने के लिए, यहाँ तक जगह जगह से लोग आए हैं, विभिन्न व्यवसायों के नौकरी वाले बच्चे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनका इच्छा के अनुसार जीवन साथी मिले। तकरीबन 550 सभी बाहर से और रेवाड़ी से, रेवाड़ी से भी हैं, बाहर से भी हैं, हरियाणा के हर एक क्षेत्र, हर एक कोने से लोग। तो ये प्रयास किया गया है कि पंजाबी समाज